गीगाबाइट GA B250M DS3H रिविजन 1.0 एक अनोखा प्रॉब्लम के साथ है ये बोर्ड। अभी देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद क्या सलूशन है बताता हूँ। देखो, इस टाइप का प्रॉब्लम कभी भी मिल जाए मदरबोर्ड पे तो क्या करना है। ओ टिगर दिया, थोड़ा सा ऑन होके ऑफ, दोबारा ऑफ नहीं होता है, टिगर देने के साथ ये ऑन होता है। देखो यहाँ पर डिबग कार्ड फॉलो करो, कोड जनरेट हो रहा है, ठीक है, अभी नहीं हुआ तो रिसेट पे एक बार टच करते हैं। ऐसा ही है तो और एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी डिस्कनेक्ट कर दिया पावर केबल को। ये वोल्टेज गया नहीं, वोल्टेज को जाने देना पड़ेगा पहले। फिर से लगाया, पावर दिया, अब ट्रिगर दे रहा हूँ। एक बार रिस्टार्ट हुआ, बंद हो गया। तो यहाँ पर SMPS का 5 वोल्ट सेक्शन एक बार शॉर्ट करेंगे, उसके बाद एक बार टिगर देंगे इसको। इसको हटा देता हूँ, देखो एक इस बार बहुत सारा कोड के साथ मतलब चला, फिर ये स्टार्ट हो गया। ये देखो अभी चल गया, फिर से बंद हो गया। रीस्टार्ट होता है कि नहीं देखते एक बार, मतलब अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ऐसी टाइप का प्रॉब्लम आपको फेसिंग हो सकता है बोर्ड में, तो इसीलिए थोड़ा सा लॉन्ग कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक बार में एक एक तरह का प्रॉब्लम दिखेगा ऐसी टाइप के प्रॉब्लम में। तो फिर से नहीं ले रहा है, 30 लेके ऑफ हो गया, कोड ले रहा है, ठीक है। ये देखो 4C ऑफ हुआ है, दोबारा ऑन नहीं हो रहा, मतलब रीस्टार्ट का इशू नहीं है। ये कोड जनरेट हो रहा है फिर छोड़ रहा है, ठीक है, कोड जनरेट हो रहा है छोड़ा है, मतलब टिगर करो तो कोड थोड़ा सा कोड जनरेट हो रहा है, तो 2-3 स्टेप तक कोड जनरेट हो रहा है, उसके बाद ऑफ हो रहा है, रीस्टार्ट भी नहीं हो रहा है, और कुछ कुछ टाइम कोड भी जनरेट नहीं हो रहा है। 1 टाइम कोड जनरेट हो रहा है उसके बाद ऑफ, फिर से कोड हुआ, बहुत टाइम कोड जनरेट हुआ, जीरो सिक्स ऑफ हो गया, फिर से ऑन हुआ, ऑफ हो गया, और ये ऑन नहीं होगा, फिर से ट्रिगर देंगे, इसके पीछे लगे रहेंगे मतलब नेबला की तरह। तो ऐसा ही कुछ है प्रॉब्लम, देख सकते हो इजीली। इसका सलूशन क्या है, बायोस, कोई अगर सोच रहे हो बायोस है, बायोस तो बेसिकली नहीं है, बायोस का इशू तो इसमें बता दूं पहले, डुअल बायोस होता है, मेन बायोस और बैकअप बायोस, तो बायोस से हो नहीं रहा है, मुझे भी लग रहा था बायोस का ही प्रॉब्लम है। तो ये देखो मैंने ऑलरेडी बायोस, इसको दोनों चिप था, सॉरी दिख नहीं रहा है, ये देखो दोनों चिप था, मेन बायोस बैकअप बायोस, ये है हमारे मेरे पास बैकअप बायोस का चिप,
और मैंने दोनों को रिमूव कर दिया, फिर मेन ब्रश पे एक ऑफिशियल ब्रश डाला, फिर भी सेम प्रॉब्लम है। पहले भी ऐसा ही था, दोनों ब्रश का चिप जब था ऐसा ही था। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम डुअल ब्रश लगा हुआ बोर्ड में ज़्यादातर फेसिंग होता है, आपको ये दिमाग में रखना है। डुअल ब्रश अगर किसी बोर्ड में है, डेस्कटॉप मदरबोर्ड में, तो ऐसे टाइप का दिक्कतें हो सकता है। अभी जो आपने देखा डिस्प्ले पे, जो मैंने दिखाना चाहा, और इस बोर्ड में बेसिकली ये डुअल ब्रश से हो नहीं रहा है। तो इस बोर्ड में कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर एक प्रोटेक्शन है, मे बी ये हम रिमूव कर दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रोटेक्शन को एक बार रिमूव करेंगे, ये वाला, एक सेकेंड ऑफ किया SMPS, हाँ ऑफ किया। वहाँ पर रहने देते हैं। कार्ड किधर है, इस बोर्ड में ये वाला प्रोटेक्शन से ये प्रॉब्लम कभी कभार आता है, ठीक है, क्रिएट होता है। पावर देखे, देखता हूँ क्या होता है। बीप आ गया, सॉल्व हो गया। डोंट वरी, पास से दिखाऊंगा कौन सा कंपोनेंट था, पास से मैं दिखाता हूँ, पेशेंट रखो। ये जो प्रोटेक्शन आपने देखा, ये प्रोटेक्शन क्या है, ट्रांजिस्टर, हाँ मॉस्फेट है, टीनी मॉस्फेट K72। तो देखो भाई, बोर्ड का मॉडल नंबर तो देख लिया है, इस बोर्ड का मतलब डायरेक्शन थोड़ा सा अलग है, मतलब 100 सीरीज़ से लेके यहाँ पर सीरीज़ में आता है, पर इस बोर्ड में ये सीरीज़ वाला ऊपर का इस साइड में कर दिया है, ठीक है, देख के ही पता चलेगा, उतना पास से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोर्ड का मॉडल नंबर देख लो, GAB250M DS3H रिव्यूशन 1.0। ऐसा अगर हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लॉन्ग रखा था वीडियो को, किस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है दिखाने के लिए। तो सेम देखो, अगर लगे तो ये जो कंपोनेंट, यहाँ पर एक कंपोनेंट K72 होता है प्रोटेक्शन, ये है वो प्रोटेक्शन, सीरीज में नहीं मिलेगा, वो एक सामने मिलेगा, ठीक है, ये LM के ऊपर में मिलेगा, ठीक है। ये प्रोटेक्शन को आप बस रिमूव कर दो, ये जो अभी प्रॉब्लम फेसिंग हो रहा था ये सॉल्व हो जाएगा। इस बोर्ड में तो हो गया, तो मैंने पहले यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, प्रॉब्लम जिस टाइप का लग रहा था तो मैंने सोचा बायोस क्रॉप्ट हो गया इसलिए हो रहा है, तो मैंने बस बायोस को एक बार किया तो हुआ नहीं, तो सोचा इस बोर्ड के ऊपर ये वाला ट्रिक मैंने कभी भी नहीं दिखाया था, तो चलो आज ये भी दिखा दिया, तो चलो इन्जॉय करो, पड़ा हुआ बोर्ड है कहीं पर भी घर पे स्टॉक वाला, तो जाके काम करो, सक्सेस मिल जाएगा, डोंट वरी। फिर से एक बार चलाते हैं, देखते हैं, हो गया सॉल्व, बीप करेगा ये, हो गया। केस स्टडी सक्सेसफुल है और डिस्प्ले भी है, देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कीबोर्ड पर एक बार मैं दिखा देता हूँ। हमारा कीबोर्ड और डिस्प्ले से मतलब नहीं था, बीप से मतलब था, बीप किया मतलब AB आया, अभी B4 आया मतलब डिस्प्ले है, ये देखो, ओके, डिस्प्ले आ गया, बोर्ड सक्सेसफुल रिपेयर। अभी कितना टाइम में ये बोर्ड हुआ, अभी मैं वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ टाइम लग गया, अभी
अगर मैं ये जो बोर्ड है डायरेक्टली काम करता तो 2 मिनट लगता मेरे पास, तो अगर आपको पता होता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलो बने रहो मेरे साथ, जब तक रहोगे और मैं जब तक रहूँगा तब तक ऐसे अपडेट करते जाऊँगा सबको, और आप कमेंट करते हो, इतना प्यार देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे, और टेलीग्राम पे जो मैंने पेड ग्रुप बनाया था वो अवेलेबल है, कोई किसी को सपोर्ट चाहिए, हद तक ज़्यादा हद तक सपोर्ट चाहिए, बायोस वगैरह बोर्ड भी स्कीमेटिक, तो वो ज्वाइन हो सकते हो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे, लव यू ऑल, जय हिंद।